हेलो ऑल ऑफ यू, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग यूपीएससी। इन दिस केस वी विल डिस्कस हाउ सुप्रीम कोर्ट इन हिज जजमेंट वाइडन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड एस्टेब्लिश्ड द रूल ऑफ लॉ। तो मेनका गांधी केस समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर्स, रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच की डिफरेंस। लैटिन टर्म है दैट इज रेक्स लेक्स। रेक्स लेक्स मींस किंग इज लॉ एंड लेक्स रेक्स मींस लेक्स 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 इज रेक्स मींस लॉ इज द किंग। इंडिया में 1935 के एक्ट से बहुत सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्ट की थी, और ये कहो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1935। अब क्योंकि 1935 से चीजें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आ रहे हैं, तो इट मींस आइडियोलॉजी भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं से वहीं से ली थी। और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बीच में या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बीच में एक लंबे टाइम से एक बहस चल रही थी कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वी हैव टेकन द थिंग्स फ्रॉम इंग्लैंड, दैट इज रूल ऑफ लॉ। एंड रूल ऑफ लॉ मींस एवरीथिंग विल बी रन अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड हु विल मेक दैट लॉ, हु विल डिफाइन व्हाट इज द लॉ। लॉ इज मेड बाय द स्टेट। अब देखो इंग्लैंड के अंदर क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, that is all the conventions जो इंग्लैंड में चली आ रही है on conventional constitution। अब conventional constitution के अंदर Westminster model है, और Westminster model के अंदर जो rule जो होता है, dominating जो होता है, that is parliament। क्योंकि इंग्लैंड ने अपने king की powers को कम किया था और parliament को dominating बना दिया था। It means इंग्लैंड के अंदर parliamentary system है, और parliamentary system के अंदर parliament से supreme कोई नहीं। अब क्योंकि parliament से supreme कोई नहीं, इट मीन्स वहां पर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगी उसको किसी जगह पे चैलेंज नहीं कर सकते। अब नाउ द थिंग इज दैट अमेरिका इंग्लैंड का रिबेलियन है, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड की कॉलोनी थी। अब क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड की कॉलोनी थी, इस करके अमेरिका ने वही सब चीजें अडॉप्ट की यूएसए ने जो इंग्लैंड में चलती थी उसके एकदम ऑपोजिट। इंग्लैंड में क्योंकि मोनार्की थी, तो वहां पर अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आए। इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उसका ऑपोजिट वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया। सो उसी प्रोसेस में दे हैव अडॉप्टेड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस लॉ इज सुप्रीम, एंड लॉ इज सुप्रीम इन वन सेंस मींस जुडिशियरी इज सुप्रीम। इट मींस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस जुडिशियरी इज सुप्रीम। इफ जुडिशियरी इज सुप्रीम, इट मींस ऑल द लॉज आर सबॉर्डिनेट टू जुडिशियरी। इट मींस ऑल द लॉज आर सबॉर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है, तो जुडिशियरी ऐसे किसी भी लॉ को रिव्यू करने की ऑटोमेटिक अथॉरिटी रखती है अमेरिका के अंदर, और इंग्लैंड में ऐसी किसी भी अथॉरिटी के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, और अमेरिका के अंदर जुडिशियल सुप्रीमेसी और एक सेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। क्योंकि इंग्लैंड का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इस करके हम इंग्लैंड के अंदर उस सेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी नहीं समझ सकते। नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब से रमेश थापर केस और ए के गोपालन केसेस के अंदर, जब तक नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर रहे, और नेहरू जी कोशिश ये कर रहे थे, पंडित नेहरू कोशिश ये कर रहे थे कि इंडियन जुडिशरी को यह समझा दिया जाए कि इंडिया में क्योंकि चीजें हम लोगों ने इंग्लैंड से ली हैं, और इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सर्वाइव करेगा। इट मींस यहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह नहीं रहेगी। इट मींस नेहरू नहीं चाहते थे कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लैशेस रहे, और उस टाइम पर जुडिशियरी भी पैसिव जुडिशियरी थी, वो भी नेहरू गवर्नमेंट से लड़ना नहीं चाहते थे कि नेहरू पॉपुलिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जनता उनको ज्यादा पसंद करती थी, प्यार कर रही थी जनता उनसे। सो इनिशियली इन क्लैशेस से बचने के लिए पार्लियामेंटेरियंस ने, या फिर ये कहकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। इट मींस पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसी लॉ को कोर्ट भी मानेगा कि यही लॉ है। अब क्योंकि इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में सारी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होती है, उसी चीज को इंडिया में ले आए, इट मींस कोई भी चीज अगर कहीं पर क्लैशेस डेवलप होते हैं, तो उस केस में पार्लियामेंट्री लॉ ही चलेंगे। एंड वी हैव सीन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब नाइन शेड्यूल बनाया गया, उसके बाद
जो भी केसेस आए उसमें रमेश थापर का केस था या फिर ए के गोपालन केस बाद में चल के जब आता है, जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया था, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई लॉ बना हुआ है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको हम रेमेडी कोई नहीं दे सकते। रीजन उसके पीछे क्योंकि तब तक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय हो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब पार्लियामेंट जो भी लॉ बना देगी उसी लॉ को वैलिड मानेंगे। अब यहां तक जो प्रोसेस चलता है एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? इट इंप्लाइज दैट लॉ हैज बीन ड्यूली इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर और अ कंसर्न्ड बॉडी इज वैलिड इफ ओनली इट फॉलोज द करेक्ट प्रोसीजर। Following this doctrine means the person can be deprived of personal liberty or even life according to the procedure established by law. It means parliament ने अगर law बना दिया किसी भी आदमी को जेल में डालने का या किसी की आवाज को बंद करने का, किसी को भी डिटेन करने का, ठीक, तो उस केस में उसको वैलिड मानेंगे और ऐसे किसी लॉ को कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय, देखो आज भी इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ चलता है, क्यों? क्योंकि आज भी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास ही है लॉ मेकिंग, हालांकि कुछ पावर्स कोर्ट ने यूज की हैं बाद के टाइम पे आके, बट इंडिया में अभी भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और मेनका गांधी केस के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होता है। तो अभी तक हम इतना ही समझते हैं कि यहां पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब यह है कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बना देगी उसको मानना पड़ेगा और उसको किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। हेंस इफ पार्लियामेंट पासेस अ लॉ देन द पर्सन पर्सनल लिबर्टी एंड द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी टेकन ऑफ According to that law, procedure and provisions. तो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने प्रोविजन बना दिए दैट किसी को भी डिटेन किया जा सकता है, कि किसी भी प्रोसेस में किसी की जान ले जा सकती है। इस करके इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि अगर इंग्लैंड में पार्लियामेंट लॉ पास कर दे कि कल से दिन को रात कहना और रात को दिन कहना है, तो इंग्लैंड के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अमेरिका में छोटे से छोटे लॉ को भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में या किसी भी केस में किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होता है तो अमेरिका जुडिशियरी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है? पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए या लॉ मेकिंग अथॉरिटी कोई भी हो, जब वो लॉ बनाएगी तो उस लॉ की ऑथेंटिसिटी चेक करेगी। अब यहाँ पर एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। तो इंग्लैंड मेन सेंस में समझ सकते हैं रूल बाय लॉ है। Rule of law, it means law is supreme, and rule by law means law तो कोई भी बना सकता है, उसमें हिटलर भी एक example है, that is rule by law. Rule by law मतलब rule बनाए जाएंगे और उससे country के जो citizens होंगे उनको उसको follow करना होगा। अब यहाँ पर there is due process of law, it means doctrine that checks the laws depriving a person personal liberty of an individual and checks if the law is fair, not arbitrary and just. लॉ की ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, अगर लॉ लगेगा कि ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स का या किसी और राइट का, तो कोर्ट ऐसे किसी लॉ को रिजेक्ट कर सकता है। एंड रिसेंटली वी हैव सीन कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को रिजेक्ट कर दिया, पर बाकी बने लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया। इट मीन्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरी तरह से फॉलो किया गया, ताकि इससे लोगों का डेमोक्रेसी में बिलीव ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो डेमोक्रेसी लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगी। जितना कॉन्स्टिट्यूशन रिलैक्स रहेगा, लिबरल रहेगा, उतनी डेमोक्रेसी लंबे टाइम तक सरवाइव करेगी। दुनिया के सारे सिस्टम फ्लॉप हो गए, डेमोक्रेसी अभी तक चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स एनी लॉ दैट इज नॉट फेयर, दे विल डिक्लेयर द लॉ वॉइड एंड नल। द डॉक्ट्रिन प्रोवाइड्स मोर फेयर ट्रीटमेंट टू एनी इंडिविजुअल राइट्स। तो ड्यू प्रोसेस इज द लीगल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय द स्टेट इन टू रिस्पेक्ट टू ऑल द राइट्स ओन्ड बाय अ पर्सन। तो स्टेट आपके राइट की प्रोटेक्शन करेगा, और उसमें स्टेट प्रोटेक्ट करेगा मींस, क्योंकि आर्टिकल 12 और 13 के अंदर हम लोग जो स्टेट वर्ड की डेफिनेशन देखते हैं, और आर्टिकल 13 कहता है कि दैट स्टेट विल प्रोटेक्ट ऑल द फंडामेंटल्स। कोई भी ऐसा वायलेटिव लॉ कोई स्टेट अगर क्रिएट करती है तो जुडिशरी ऐसे किसी लॉ को रिजेक्ट करने की अथॉरिटी रखती है। अब यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब आर्टिकल 21 को वाइडन करने का जो स्कोप था या वाइडन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम मेनका गांधी केस को देते हैं, या उनका जो क्रेडिट है मेनका गांधी केस को हम देते हैं, मेनका गांधी को देते हैं सेंस में। अब होता क्या है कि डेमोक्रेसी में कहीं पर भी जो सरकार रूल कर रही होती है उसके जो भी लॉज होते हैं उन हरेक लॉज का उस हरेक लॉ के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट एजिटेट करने का
ये उस लॉ को क्रिटिसाइज करने की अथॉरिटी हमेशा ऑपोजिशन अपने पास रखती है। ये कहो कि सिंपल शब्दों में कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है या रूलिंग गवर्नमेंट कोई भी होती है, वो जो लॉ बनाएगी उसके हमेशा ऑपोजिट रहेगी जो भी ऑपोजिशन पार्टी होगी, वो हर लॉ को क्रिटिसाइज करेगी। तो इसी तरह कुछ ऐसा हो रहा था, जब तक कांग्रेस पावर में थी, जब तक वो अपने हर लॉ को, अपने हर एक्ट को वैलिडेट कर रही थी, और जो लोग ऑपोजिशन में थे वो कह रहे थे कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी के बाद चेंज होती है, और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है, और जनता पार्टी गवर्नमेंट के अंदर जो लॉज जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए थे, जनता पार्टी गवर्नमेंट जब उन्हीं लॉ को सख्ती से इंप्लीमेंट कराती है, तो ऑब्वियसली कांग्रेस को एतराज होना था, कांग्रेस से जुड़े लोगों को। और उन यहाँ पे सबसे पहले नजर आता है जब एमरजेंसी के बाद कांग्रेस का डिक्लाइन हो जाता है, और जब कांग्रेस का डिक्लाइन होता है तो उसके बाद इनको ऑपोजिशन में बैठना था, और ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट या उस टाइम पे जो भी रूलिंग गवर्नमेंट थी वो कुछ चीजें ऐसी करेगी जिसकी वजह से इनको परेशान किया जाए, ऑपोजिशन को परेशान किया जाए। अब यहां पर जगजीवन राम हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उनके बेटे की कुछ कुछ इंटीमेट जो फोटोज थी वो कहीं कहीं पर कैमरे में खींच के कहीं पर वायरल हो जाती है, और उन फोटोज को मेनका गांधी उस टाइम पर एक न्यूज़पेपर चलाया करती थी, एक मैगजीन चलाती थी, उसका नाम था सूर्या, और उन फोटोज को उस मैगजीन में पब्लिश कर देती है। कहते हैं बड़ा सीक्रेटली होता है, अब इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तो बड़ा सीक्रेटली उस मैगजीन को पब्लिश किया जाता है उससे, ताकि जो जनता पार्टी गवर्नमेंट है उसको बदनाम किया जा सके, ऑब्वियसली। अब उसके बाद जनता पार्टी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, और मेनका गांधी को बाहर किसी कंट्री में स्पीच देने जाना था। अब स्पीच देने जाना था, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इन तीनों को हम लोग इंटरलिंक करेंगे। अब मेनका गांधी जब बाहर जाना चाहती हैं तो पासपोर्ट अथॉरिटी से इनको एक लेटर आता है मेनका गांधी को कि आप बाहर नहीं जा सकती, आपका जो पासपोर्ट है उनको इम्पाउंड कर रहे हैं। तो मेनका गांधी स्टार्टेड अ पॉलिटिकल मैगजीन सूर्या टू रिस्टोर द इमेज ऑफ कांग्रेस पार्टी विच वॉज डेंटेड बाई द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। द मैगजीन ऑल्सो पब्लिश सम कंट्रोवर्शियल इमेजेस ऑफ द सन ऑफ द देन डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम। ये फोटो पब्लिश करते हैं, ऑब्वियसली उनकी इमेज इफेक्ट होती है। देन शी वाज इशूड अ पासपोर्ट ऑन जून 1976 ऑन 4th जुलाई 1977 द टाइम अराउंड व्हिच शी वांटेड टू ट्रैवल आउट ऑफ इंडिया फॉर अ स्पीच शी रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर दिल्ली इनफॉर्मिंग हर दैट अंडर सेक्शन 10(3)(c) ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंपाउंड हर पासपोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। नाउ द टर्म पासपोर्ट इंपाउंड किया जा रहा है उसके लिए जो बहाना बनाया जा रहा है दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। शी वाज आस्क्ड टू सरेंडर हर पासपोर्ट विद इन 7 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द लेटर। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको वो अपना पासपोर्ट सबमिट करना है। इसका मतलब पासपोर्ट सबमिट करना है, बाहर नहीं ट्रेवल कर सकते आप। अब बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते इट मीन्स मेनका गांधी कह रही है मेरे राइट टू मूव की वायलेशन है, और इसके साथ साथ राइट टू स्पीच की वायलेशन है, उसके साथ साथ आर्टिकल 21 की वायलेशन है, और आर्टिकल 14 की वायलेशन है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, राइट टू इक्वालिटी मिलना चाहिए मेरे। तो शी रोट अ लेटर टू द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, ऑब्वियसली उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को इसकी कॉपी दो, कि रीजन बताओ मेरे को आपने क्यों ऐसा किया है। सेक्शन 10 और 5 के अंदर वो चैलेंज करती है उनको। बट इन इट्स रिप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हम आपके पासपोर्ट को इशू नहीं कर रहे, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम पासपोर्ट आपका जब्त कर रहे हैं, इंपाउंड कर रहे हैं। It has decided not to furnish a copy of the statement for the reason of making the order. तो वो स्टेटमेंट की कॉपी नहीं देते, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेनका गांधी filed a writ petition to challenging the action of the government and in impounding her passport and declining to give reasons for that for doing so. So अब इसमें लीगल एस्पेक्ट समझो। पहली बात यह है कि पासपोर्ट इस करके जब्त किया गया क्योंकि उन्होंने मैगजीन पब्लिश की थी, उनके पीछे कोई रीजन नहीं था कि आपने पासपोर्ट क्यों जब्त किया है, है ना, इंपाउंड क्यों किया है, गवर्नमेंट ने इसका कोई रीजन नहीं बताया। अब क्योंकि रीजन नहीं बताया, क्योंकि रीजन को था भी नहीं। अब उन्होंने पब्लिक सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो भी कहा वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो लीगल इश्यूज इसमें क्या थे, वेदर द राइट टू गो अब्रॉड इज पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू गो अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी और नॉट, वेदर द राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) हैज ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, तो दैट इज आर्टिकल 19(1)(a) दैट इज राइट टू स्पीच। Whether the section 10(3)(c) or the Passport Act 1967 is violative of Article 14, Article 19(1)(a), Article 21, as we have discussed, Article 14, right to equality, Article 19, right to speech, right to move, Article 21. So she linked all the articles, na? Ek to right to equality ki meri violation hui hai,
उसके बाद आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 21 राइट 21 राइट टू लिव, आपने मेरे इन तीनों राइट्स की वायलेशन की है। तो whether the right to travel abroad is included in the meaning of personal liberty given under article 21, तो क्या घूमने फिरने का राइट जिंदा रहने के राइट में कंसिडर होता है? तो दीज वर द क्वेश्चंस। Whether any procedure established by law decreasing personal liberty under article 21 of the Indian constitution is arbitrary, whether it can be said that suspending Mahatma Gandhi's passport is against the principles of natural justice. A principle of natural justice कहता है कि one should be heard, judges should not be biased. ना किसी को भी अपनी बात कहने का, अपनी बात को रखने का या उसकी बात को सुने जाने का उसको हक मिलना चाहिए और जजेस बायस नहीं होने चाहिए। अब ये कह रही है कि मेरे नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हुई है, अब उनके अकॉर्डिंगली क्योंकि वायलेशन हुई है तो ऑब्वियसली आर्टिकल 21 के अंदर रिट पिटीशन फाइल किया, आर्टिकल 32 के अंदर उन्होंने आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन के लिए, तो शी इज फाइलिंग रिट पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। द राइट टू गो अब्रॉड इज पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन यूज्ड इन आर्टिकल 21 एंड नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। देयर इज नो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय पासपोर्ट एक्ट फॉर इंपाउंडिंग और रिवोकिंग अ पासपोर्ट। देखो देर आर फ्यू राइट जिसको हम लोग कहते हैं लीगल राइट्स हैं। लीगल राइट सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है, स्टेट के अंदर रहते हैं लीगल स्टेट देती है, पर नेचुरल राइट तो नेचर ने दी है और नेचुरल राइट के अंदर राइट टू मूव भी है। कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को नेचुरल लाइफ में करके कंसिडर करता है तो जो जो नेचर ने हमें नेचुरली राइट दिए हैं वो हमें मिलने चाहिए क्योंकि स्टेट ने दिए नहीं, स्टेट ले भी नहीं सकती। तो मेनका गांधी अपने नेचुरल राइट्स की डिमांड कर रही है और उसके साथ साथ नेचुरल जस्टिस की भी डिमांड कर रही है कि मेरे को सुना तो जाए या मेरे को रीजन बताया जाए मेरे को ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the act does not provide for giving any opportunity to the holder of the passport to be heard against the making of order. Section 10(3)(c) is violative of fundamental right guaranteed under article 14, 19(1)(a), and (g), and (21). So the order impounding the passport is made in contravention of the rules of natural justice and thereby null and void. So aise laws ko reject kar diya jana chahiye, null and void karna chahiye. On the other hand, the Union Government submitted that under Article 21 of the Constitution, a person can be deprived of his right to protection of life and personal liberty as per the procedure established by law. Procedure established by law. So it means, अगर Parliament को law बना रही है and procedure established by law के अंदर हम उस right को, आपके right को suspend कर सकते हैं और ऐसे किसी भी procedure established by law के accordingly आप court में जा ही नहीं सकते। Then such a procedure need not to pass the test of reasonability. अब क्योंकि due process of law जब implement होता है, या due process of law के अंदर ये है कि आप जब भी law बनेगा तो उसकी validity, उसका procedure check किया जाएगा, ठीक, उसके impacts को focus किया जाएगा, उसके impact क्या रहेंगे society के ऊपर। The respondents also contended that the constitution maker choose the British procedure या British concept of procedure established by law over the American concept of due process of law. अब नेहरू साहब बड़े लंबे टाइम तक इसको प्रोटेक्ट करते रहे that we have taken the things from England, not from America. America में due process of law है. Now the point is, America में हो सकते due process of law, हो सकते नेहरू अपनी जगह ठीक हो, पर Indian constitution article 13 और article 32 ये दोनों ही दे रहा है। अगर दोनों दे रहे it means हमारे fundamental right की protection कर रहा है। अगर प्रोटेक्शन कर रहा है, इट मींस प्रोटेक्शन कर रहा है, तो इट मींस हम कहीं ना कहीं उसकी राइट की डिमांड करेंगे और जब हम डिमांड करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट जाने का मतलब ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। द रिस्पोंडेंट्स आल्सो कंटेंडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चूज द ब्रिटिश लॉ। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दो आर्टिकल 21 मेंशन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इट हैज टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, नॉट ऑप्रेसिव एंड आर्बिट्ररी। द मेयर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द सम काइंड ऑफ प्रोसीजर कैन नॉट इवन मीट the mandate of article 21. हालांकि सिस्टम जो भी है एस्टेब्लिश हुआ है, बट ये आर्टिकल 21 की वायलेशन है हमारे अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम इसको वायलेशन मान रहे हैं, इस करके हम इसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं। द कोर्ट गिव आर्टिकल 21 एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन। द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड कवर द वैरायटी ऑफ राइट्स व्हिच गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन एंड सम ऑफ देम हैव बीन रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ distinct fundamental rights and give additional protection under article 19(1). Now, अब एक sense में article 21 ये कह रहा है कि किसी की भी life लेने का जो procedure है, या किसी को भी detain करने का, या किसी को भी उसके personal rights से violate, जो उसके personal rights को abridge करने का जो right है, क्योंकि parliament को Indian constitution ने दिया है, इसके लिए हम ऐसा करने की authority रखते हैं।
और किसी को भी डिटेन करने की हम अथॉरिटी रखते हैं, और पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना सकती है, और कोई भी लॉ बना के किसी भी हद तक भी, ध्यान रखना आर्टिकल जो पार्ट 3 है उसके साथ इनिशियल प्रोसेस के अंदर, इनिशियल फेज के अंदर, इंडिया में इनिशियल फेज के अंदर फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस किया गया था, और सप्रेस किया गया तो उसमें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो शेड्यूल 9 है। तो कई बार चैलेंज भी किया जाता है, ये कहा जाता है शेड्यूल 9 is in the constitution which is itself is unconstitutional thing, कि आप schedule 9 को आप court में challenge नहीं कर सकते, it means अगर आप court में challenge नहीं कर सकते, it means there is no due process of law, it means fundamental right protected नहीं, it means article 13 और article 32 की violation हो रही। तो it means वो बाद में अभी challenge किया, उसके बाद कोयलो केस के अंदर अभी तक उसकी judgment, अभी कुछ चीजों की pending बड़ी है, अभी केस चल रहा है। Now जिंदा रहने का हक का मतलब कि क्या जो जो आर्टिकल 21 की लिटरल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम किसी को उसकी लाइफ से, अगर हम उसकी किसी को किसी की लाइफ से डिप्राइव करते हैं, किसी की जान ले ली जाती है, तो हम वो एक लीगल प्रोसेस होगा, उसी के थ्रू जान ली जा सकती है। बट द पॉइंट इज अगर आदमी ठीक से जिंदा नहीं है, ठीक से जी नहीं रहा, तो ये भी तो उसके फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। तो जिंदा रहने के हक का मतलब कि आपने सिर्फ जिंदा रहने का हक दे दिया और उसमें आपने ह्यूमन डिग्निटी को इग्नोर कर दिया, तो इट मींस ऐसा जिंदा रहने का हक तो जानवरों की तरह जिंदा रहने के बराबर है। अगर फंडामेंट राइट नहीं है, अगर जिंदगी को ढंग से जीने का राइट नहीं है, तो इट मींस ऐसे किसी भी राइट में, ऐसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंट राइट्स की इंपॉर्टेंस जीरो हो जाती है। आप जिंदा हैं पर आप कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा हैं, आपको गंदा पानी पीने को मिल रहा है, आपको गंदी हवा मिल रही है, साफ एयर नहीं मिल रही है आपको, आपको एजुकेशन नहीं मिल रही, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही। नाउ अभी क्या है कि अभी ओपन एंडेड अप्रोच है आर्टिकल 21 के अंदर, और कोर्ट लगातार इसके अंदर चीजों को ऐड करता जा रहा है आर्टिकल 21 के अंदर, पर अभी तक यहां पर चैलेंज है, और कोर्ट मान रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल 21 को उस सेंस में नहीं दे रही। तो मेनका गांधी कह रही है अगर किसी आदमी को बोलने का राइट नहीं मिलेगा तो ये भी तो उसके जिंदा रहने के हक की वायलेशन है। किसी आदमी को ट्रेवल करने से रोका जा रहा है, ये भी तो उसके फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। So, the court gave Article 21 an expansive interpretation. उसके बाद, earlier in Satwan Singh Sahni case, the court held that the right to travel and go outside the country is included in the right to personal liberty. So, Article 21, Article 19. So, the court overruled A.K. Gopalan judgment. So, A.K. Gopalan case के अंदर जो government की favour में या due process of law procedure established by. So, यहां पर कोर्ट ओवररूल कर देता है एके गोपालन केस की जजमेंट को, जिस केस के अंदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था, माना था कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और बाकी जितने भी लॉज हैं पार्लियामेंट उन सभी लॉज को अब्रिज कर सकती है, उन सभी लॉ को इन्फ्रिंज कर सकती है, कम कर सकती है। द कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14 19 एंड 21, देयरफॉर अ लॉ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ पर्सनल लिबर्टी हैज नॉट only to stand the test of article 21 but it must also stand the test of article 19 and article 14 of the constitution. to iska matlab ye hai ki agar kisi ko ek right ki violation ho rahi hai, iska matlab article 14 article 19 article 21 in tino ki violation ko hum log consider karenge, aur us case ke andar judiciary keh rahi hai in tino ko interlink karke samjha jayega, aur tino ko interlink karke samjha jayega, it means hum log fundamental right ko widen kar rahe hain। तो नाउ द पॉइंट इज, इससे पहले के फेज में वी हैव सीन एके गोपालन के फेज तक हम लोगों ने देखा कि जुडिशरी जो थी दैट वाज वेरी पैसिव जुडिशरी। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस और मेनका गांधी केस के बाद अब जुडिशरी एक्टिव जुडिशरी थी, अब पैसिव फेज से आउट हो गई थी, पैसिव फेज से बाहर आ चुकी थी। पहला केस जो है वो गोलकनाथ केस है। तो गोलकनाथ केस के बाद केशवानंद भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, और बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बाद यहां पर आके एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन था दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इट मींस यहीं से फिर पीआईएल की स्टार्टिंग होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऐड हो जाने का मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स का और वाइडन हो जाता। तब इसको हम लोग ब्रीफ में अगर समझें तो गवर्नमेंट जहां पर वायलेट कर रही थी किसी के फंडामेंटल राइट, सिर्फ राइट टू मूव को, अब उस राइट टू मूव को जब कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसमें राइट टू स्पीच जोड़ा गया, राइट टू मूव जोड़ा गया, राइट टू इक्वालिटी जोड़ा गया, राइट टू लिव जोड़ा गया आर्टिकल 21, तो एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर एक 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 नई चीज निकल के आती, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब नाउ द पॉइंट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मीन विच ग्रोज, इट मीन्स बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, the growth story of Indian constitution became speedy।
तो अभी क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब वाइडर सेंस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं तो हम इन सभी आर्टिकल्स को जोड़ के देखना होगा एंड वी शुड बी थैंकफुल, इंडिया शुड बी थैंकफुल टू मेनका गांधी और वी शुड बी थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट और जिसकी वजह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ। इट मींस अब ये वाइड होता जा रहा है और आर्टिकल 21 को एक वाइडर डेफिनेशन मिल रही है और उसी के अंदर जो पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज थे, जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है ना, राइट टू एजुकेशन है, तब ये वाइडेंड होते जा रहे हैं। चलो इंपॉर्टेंट, द कोर्ट एक्सटेंडेड द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी पर्सन एंड एडिशनल प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 19 टू द पर्सनल एंड एडिशनल प्रोटेक्शन टू आर्टिकल 19 टू द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी सिटीजन। मेनका गांधी केस गेव द टर्म पर्सनल लिबर्टी द वाइडेस्ट पॉसिबिलिटी इन द इंटरप्रिटेशन। तो नाउ द पॉइंट इज इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी एक्सेप्ट हुई, तो फंडामेंटल राइट का एक वाइडर सेंस में मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स मींस इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी का एस्टेब्लिश होना। तो फंडामेंटल राइट अपने आप में इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देते हैं और मेनका गांधी केस के बाद इंडिविजुअल बिकेम इंपॉर्टेंट। अब इंडिविजुअल बिकेम इंपॉर्टेंट इन वन सेंस कि इंडिविजुअल हैज राइट टू फाइल अ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो एक रिक्शे वाला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। गवर्नमेंट ट्राइड टू वायलेट हिज फंडामेंटल राइट और इफ गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग हिम हिज फंडामेंटल राइट्स, so that is considered if you are not getting your fundamental right, it means this is the clear violation of article 21, that is right to live. to dhang se jeene ka, theek se zindagi jeene ka jo matlab hai article 21, Menaka Gandhi case ke baad hi establish hua. next point is, so supreme court expanded the scope of article 21 which now includes among the other rights right to clean environment and more, the judgment made India true welfare state and enshrined in the preamble of the constitution. UPSC पिछले कुछ सालों से क्योंकि rule of law, constitutionalism इन सब चीजों को जोड़ के पूछ रही है, तो इस सेंस में आप constitutionalism को limited government के सेंस में भी समझ सकते हैं, जो दो साल पहले क्वेश्चन आया था। अब constitutionalism मतलब limited government, and who is limiting the power of government? That is judiciary. And if judiciary is limiting the power of government, limiting the power of parliament, it means limited government, it means constitutionalism, it means rule of law. And if the point is, if the rule of law is in any country, so it means वहाँ पर democracy और लंबे time पर survive करेगी। हो सकता है कुछ phases आते हैं Indian democracy में भी, Indian parliamentary system में भी कुछ phases आए थे, but आज इस level के ऊपर Indian parliament है, Indian democracy है, तो it is expected from our constitutional makers, शायद इसी stage पे हम लोग पहुँचेंगे। फेजेस आते जाते रहेंगे, कभी सरकारें मिली जुली आएंगी, कभी सरकार सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होगी, बट हर हालत में डेमोक्रेसी और इंडिविजुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस जो एस्टेब्लिश होनी चाहिए, डेमोक्रेसी और ऊपर उठनी चाहिए। इसके बाद जैसे यूरोप के देशों के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एक नई सेंस में है, तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर 10-15-20 साल के बाद, क्योंकि जब इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस मिलेगी तो दोज इंडिविजुअल रिस्पेक्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन विल रिस्पेक्ट देयर कंट्री, तो इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी, इससे ह्यूमैनिटेरियन जो सिस्टम है वो मजबूत होगा, तो उससे डेमोक्रेसी मजबूत हो जाने से कंपैरेटिवली ज्यादा ह्यूमेन थिंग्स हम विल सी, तो इससे गवर्नमेंट का बिलीफ बढ़ेगा, गवर्नमेंट में लोगों का और लोगों में गवर्नमेंट का बिलीफ स्ट्रांग होगा। ठीक, तो दैट इज वेरी गुड थिंग। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, सरकारें हमें और फंडामेंटल राइट्स और वाइडर सेंस में अवेलेबल कराती हैं और मीन सेंस में नहीं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि एक एक उपकरण के अंदर लिटरल डेफिनेशन दी थी, तो अब लिटरल डेफिनेशन नहीं है। अब आज के टाइम के ऊपर जो डेफिनेशन है वो क्रिएटिव डेफिनेशंस आ रही हैं, लिटरल डेफिनेशंस नहीं आ रही। ठीक, तो आज के केस में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट केस में फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।